नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नैनीताल टूर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस समय नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नैनीताल का जो सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, नैना देवी मंदिर, वहां ले चलूँगा और माता नैना देवी के दर्शन कराऊँगा। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और इसका अगर पौराणिक इतिहास को अगर आप जान लेंगे तो आप ज़रूर इस मंदिर तक आना चाहेंगे और माता के दर्शन करना चाहेंगे। मंदिर के आसपास बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है वो नैनी लेक के बिल्कुल बगल में है। खूबसूरत पहाड़ों के दृश्य और मंदिर भी इतना सुंदर है कि आपने अगर वीडियो देखी तो आप ज़रूर इस मंदिर में आकर दर्शन करना चाहेंगे। तो नैना देवी मंदिर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आप कभी भी नैनीताल आते हैं तो आसानी से नैना देवी मंदिर पहुँच सकें और दर्शन कर सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि नवरात्रि का शुभ अवसर है तो मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग माता के इस मंदिर को देख सकें, माता के दर्शन कर सकें। अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के अच्छे स्थानों, सुंदर मंदिर और उसके साथ साथ उत्तराखंड के जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें दर्शन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अभी हम चल रहे हैं, ये मल्लीताल की मार्केट है, बहुत ही सुंदर मार्केट है और इसी मार्केट से होते हुए आप नैना देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप मल्लीताल से नैना देवी टेंपल के लिए जाएंगे तो बीच में आपको मार्केट भी मिलेगी। तो अगर आप सोचते हैं कुछ लेना चाहते हैं तो ये छोटी सी मार्केट है, यहाँ से आप जो भी परचेस करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर वुलेंस के लिए विंटर के जो सामान हैं, जैकेट्स हैं, ग्लव्स हैं, कैप हैं, ऐसे ही आइटम यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के प्रमुख गेट तक पहुँच चुके हैं और ये जो आप गेट देख रहे हैं यहीं से होती है श्रद्धालुओं की एंट्री और यहाँ पर लिखा है श्री माँ नैना देवी मंदिर, जो कि नैनीताल का सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर परिसर में जितने भी मुख्य स्थान हैं सभी को दर्शन करेंगे और इस मंदिर के पौराणिक इतिहास को जानेंगे। और अब हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे लेफ्ट हैंड में आपको शू रैक मिलेगा, यहाँ पर आप अपने शूज रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही सुंदर है, यहाँ के दृश्य उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। तो दोस्तों, अब मैं नैना देवी जो मंदिर है वहाँ तक पहुँच चुका हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नैना देवी मंदिर है। तो अभी माता जी के दर्शन करेंगे और मंदिर परिसर में जो भी यहाँ पर एक्टिविटी होती है, जो भी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं उनको भी दर्शन कराएंगे और माता जी के भी दर्शन करेंगे। और मंदिर से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये नैनीताल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और जो भी टूरिस्ट नैनीताल आता है वो इस मंदिर में ज़रूर आता है और माता जी के दर्शन करता है। और यहाँ पर जो पुजारी जी होंगे उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में, ताकि आपको पता हो कि मंदिर का इतिहास क्या है। तो अभी चलते हैं और माता जी के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करेंगे सबसे पहले बजरंग बली भगवान की यहाँ पर एक विशाल प्रतिमा है, तो सबसे पहले आप हनुमान जी के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हैं गणेश भगवान। तो मंदिर की जो शुरुआत है सबसे पहले आप हनुमान जी के इस विशाल प्रतिमा से कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और अभी मंदिर परिसर में माँ नैना देवी के साथ साथ जो भी यहाँ पर मंदिर हैं सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पर शू रैक भी है, तो यहाँ पर आप शूज वगैरह रख सकते हैं। और ये है माता जी का मंदिर,
बहुत ही भव्य और चमत्कारिक मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारे घंटे देख सकते हैं और ये तभी होता है जब मंदिर बहुत ही प्राचीन हो और जो श्रद्धालु हैं उनकी जो विश्वास हो मंदिर पे, और इसी वजह से यहाँ पर जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर इसी तरह एक एक घंटा यहाँ पर घंटे बांधता है। तो दोस्तों नैना देवी मंदिर में पहुंच चुका हूं और नैनीताल का सबसे फेमस मंदिर है और यहां पर मंदिर के जो प्रधान पुजारी जी हैं वो हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करेंगे और मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले पुजारी जी आपको सादर प्रणाम और मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे ताकि जो दर्शक है जो भी ऑडियंस है उनको आपके बारे में पता हो। नाम बसंत मल्लभ पांडे जी, प्रधान पुजारी आपका माँ की सेवा विगत 25 वर्षों से लगभग कर रहे हैं। अच्छा, 25 वर्षों से माँ की सेवा आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। मंदिर का इतिहास ऐसा है कि हमारे 51 शक्तिपीठें बोली गई हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ के अंतर्गत माँ का मंदिर आता है। जैसे कि आप तो हरिद्वार से ही हैं बोल रहे हैं, तो हरिद्वार में ही दक्ष प्रजापति का एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ जी। और दक्ष प्रजापति जो थे भगवान शंकर के ससुर थे जी। उनकी पुत्री माँ सती माँ शंकर जी की पत्नी थी जी। शिवपुराण में इसका वर्णन आता है, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इसका वर्णन है और शिवपुराण में भी इसका वर्णन आता है। तो जहाँ पर वहाँ सती की जो अंबुगिरि है वहाँ पर शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुई और स्थापित हुई। तो यहाँ पर माँ सती जी के बाई नेत्र यहाँ पर जी मानता है और दया नेत्र जो है हिमाचल के कांगड़ा में एक नैना देवी जी का मंदिर है, वहाँ पर माँ का दया नेत्र मिला। तो नैना देवी तब से यहाँ पर स्थापित है। आप जो झील सरोवर देख रहे हैं यह भी माँ का नेत्र का ही स्वरूप है। इसको आप ऊंचाई वाले स्थान पर जाएंगे इसको देखेंगे, इसका जो आकार है स्वरूप है वो नैनाकार ही है, नैनी की तरह। जो ये झील का आकार है वो नैनाकार है। नैनाकार। अच्छा, जैसे कि नैनीताल से और नैना देवी का जो एक तरह से बहुत ही खास संबंध है, तभी शायद इस शहर का नैनीताल नाम पड़ा है, ऐसा कुछ आपको? ऐसे देखिए इतिहास में अगर आप जाएंगे, इतिहासकार इसके कई भिन्न भिन्न उसमें कारण आते हैं, लेकिन अगर हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखेंगे तो हम देखेंगे कि नैनीताल का नाम नैना देवी जी से ही। अच्छा, क्योंकि इससे पहले अभी 137 वर्ष से इस स्थान पर इस मंदिर को हुए हैं। इससे पहले का मंदिर जो है आप जाएंगे आगे बोट हाउस के बाद पड़ता है रिक्शा स्टैंड के पास, उस स्थान पर यह मंदिर है। और 1880 में एक लैंडस्लाइड भूस्खलन हुआ था तो उसको यह मंदिर झील में समा गया था। ये मंदिर जी पहले यहाँ पूरी झील हुआ करती थी, जहाँ तक आप ऊपर देखेंगे मस्जिद तक पूरी झील होती है 1880 के भूस्खलन में। तो वो माँ का मंदिर भी वहाँ से झील में समा। अच्छा, तो उसके पश्चात या पहले राजा लोग हुआ करते थे, तो उनके स्वप्न में वहाँ आई अमरनाथ शाह जी को हुआ करते थे कि मेरी मूर्ति इस स्थान पर ही है, उसको निकाल करके पुनर्स्थापित किया जाए। तो उन्होंने खोज की अपने साथियों के साथ बंधुमंदों के साथ, और जिस स्थान पर उनको स्वप्न में आई थी माता उसी स्थान पर मूर्ति उनको मिल गई। तो उसके पश्चात यह मंदिर इसी स्थान पर बना, 137 वर्ष इस स्थान पर इस मंदिर को हो गई। तो दोस्तों अभी जो नैना देवी मंदिर है उनके प्रधान पुजारी जी से मंदिर के इतिहास के बारे में और नैनीताल के इतिहास के बारे में कुछ आपको जानकारी मिली होगी। तो पंडित जी आपने बहुत ही मतलब कम शब्दों में मंदिर के और नैनीताल के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, और जिससे कि दर्शकों को भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो पंडित जी एक बार फिर से आपका प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अब मैं आपको नैना देवी मंदिर में ले चलता हूँ और मंदिर के प्रमुख स्थान तक चलेंगे और वहाँ माँ के दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप नैना देवी मंदिर के आसपास के जो दृश्य हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर सुंदर लेक है जो कि नैनी लेक है, जो कि नैनीताल की सबसे फेमस लेक है, और यहाँ पर सुंदर मंदिर के दृश्य आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के अंदर, और ये है प्रमुख मंदिर।
आप यहां पर नैना देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब मंदिर परिसर में जो और भी प्रमुख मंदिर हैं वहाँ भी दर्शन करेंगे। आपको पता होगा कि जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर ज़रूर स्थित होता है, तो यहाँ पर भैरव बाबा का एक मंदिर है तो वहाँ भी चलेंगे और दर्शन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये है भैरव बाबा का मंदिर, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी मंदिर हैं तो वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर संतोषी माता का मंदिर, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नवग्रह मंदिर, और यहाँ पर श्री कृष्ण राधे कृष्ण का मंदिर भी है तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद चलेंगे, यहाँ पर दशा अवतार मंदिर है, वहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। तो इस तरह ये जो नैना देवी मंदिर है इसके आसपास कई सुंदर मंदिर हैं, तो आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से दर्शन कर पाएंगे। ज़्यादा भीड़ मंदिर में नहीं होती है, सिर्फ नवरात्रि के दिन में मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस समय आपको थोड़ा समय लग सकता है, और बाकी दिनों में आप आसानी से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नैना देवी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नैनीताल पहुंचना होगा। नैनीताल में तल्लीताल के पास बस स्टैंड है, वहां पर आप उतरकर वहां से आप रिक्शा पकड़कर आसानी से 10 मिनट में मल्लीताल पहुंच सकते हैं। और मल्लीताल के पास ही ये मंदिर स्थित है, आप मार्केट से होते हुए आसानी से पैदल 10 मिनट में इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। नवरात्रि के दिन में आपने माँ के एक दिव्य मंदिर में दर्शन किए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।